बहुत सारे लोग रिवर्सल और ब्रेकआउट को पकड़ने के लिए एक इंडिकेटर को यूज करते हैं जिसे बोलते हैं बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड्स बनाया था जॉन बॉलिंगर ने और वो आज भी जिंदा है। अब देखिए बॉलिंजर बैंड में आपको तीन चीजें मिलती हैं। सबसे पहले तो आपको बीच में मिलती है एक मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज है और 20 SMA है। सिंपल 20 का आपको SMA दिख गया 20 पीरियड का। उसके बाद आपको मिलता है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर एक लाइन और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे एक लाइन। अब जॉन बॉलिंजर का ये मानना था कि 95% टाइम जो स्टॉक है वो इस रेंज के अंदर ही रहता है, या तो वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर या 2 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे रहता है। अब जब भी आपको बॉलिंजर बैंड्स नैरो होता हुआ दिखे तो यहाँ से आप एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि यहाँ से फटेगा स्टॉक और ब्रेकआउट आ सकता है, और जब ऊपर और नीचे बॉलिंजर बैंड्स पर जाए तो वहाँ से रिवर्सल आ सकता है। यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस।